एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मोतीलाल जोटवानी. द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ वेरी लोनली शी. इसको अकेली अकेली हूँ भी बोला गया है और ये पहली बार पब्लिश हुई थी सिंधी में. इसको सिंधी में लिखा गया था और जो मोतीलाल जोटवानी हैं उनके ब्रदर हैं डॉक्टर नंदलाल जोटवानी, जो कि खुद भी एक राइटर रहे हैं. उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था. इस स्टोरी में एक मनोहर नाम का व्यक्ति है, अ नेफ्यू. ऑन वे बैक टू दिल्ली पेज अ विजिट टू हर मौसी हु इज़ लिविंग अलोन इन अ डिफरेंट टाउन. शी रिकॉल्स अ पेनफुल रिमार्क मेड बाय अ क्लोज यंग रिलेटिव. द नेफ्यू डिस्कवर्स दैट दे ऑल्सो हैव बीन गिल्टी ऑफ निगलेक्टिंग हर. देर आर गिल्ट फीलिंग्स एंड रिग्रेट्स. The story ends with the nephew reflecting on the web of human relationship and the difference between loneliness and being alone. It is a psychological, most of the action in the story is psychological. एक nephew है मनोहर नाम का. वो दिल्ली जाने से पहले बीच में रुकता है, अपनी जर्नी को ब्रेक करता है, अपनी मौसी से मिलता है. जब वो अपनी मौसी से मिलता है तो उसको मौसी बताती है कि किसी यंग रिलेटिव ने कैसे उसको एक पेनफुल रिमार्क दिया, कुछ बोला होगा. और जो नेफ्यू है वो ये सोचता है, वो उसको भी बहुत गिल्टी फीलिंग होती है कि उसने कैसे अपनी मौसी को निगलेक्ट कर दिया. इतने सालों तक मौसी के बारे में पता भी नहीं किया. और वो ह्यूमन रिलेशनशिप का जो ये जाल है ना, उसके बारे में सोचता है. और इसमें द नैरेटिव इज सिंपल इनफ. ओके, नाउ स्टोरी जो है ना इज़ टोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन नरेटर. नरेटिव टेक्निक की बात इसमें हम करेंगे अभी. स्टोरी इज़ टोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन नरेटर जो कि मनोहर है. ही इज़ ऑल्सो द फोकलाइज़र. फोकलाइज़र का मतलब है कि वो फोकस उसी पे है. हम जो सुन रहे हैं ना, वो हम वो सुन रहे हैं जो वो बोल रहा है. दैट इज़ ही सीज एंड वट वी सी वट ही सीज. तो मनोहर जो है वो फोकलाइजर है. हम जो वो देख रहा है हम वही देख रहे हैं. द नैरेटिव इज सिंपल इनफ. बहुत सिंपल सी स्टोरी है. मनोहर ब्रेक्स जर्नी एट आगरा टू सी हिज मौसी, विच मीन्स ही इज अ डिसेंट पर्सन हु इज नॉट एंटायरली निगलेक्टफुल ऑफ रिलेशनशिप. कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि ध्यान रखते हैं कि हमारे रिलेटिव हैं तो चलो उनसे मिल लेते हैं. तो उनको उसको डिसेंट पर्सन बोला गया है. बट लाइक एवरी वन एल्स ही हैज़ गॉट बिजी विद हिज लाइफ इन दिल्ली एंड हिज फैमिली हैवंट केप्ट मच कॉन्टेक्ट विद हर. अब वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया था. वो दिल्ली में रहता था और उसकी फैमिली भी, मतलब वही रहता ना कि बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट अपनी मौसी से नहीं रखा. द रेवलेशन अबाउट दिस निगलेक्ट ऑफ मौसी comes in the course of the conversation between the nephew and the aunt. जब वो अपनी मौसी से मिलता है ना तो उसको ये और मौसी से बात होती है तो उसको ये डिस्क्लोज होता है कि हाँ उसने ये गलती की है. वो अपनी मौसी को उसने निगलेक्ट किया. An event in the family like death is generally an occasion for relatives to come together, but when his younger sister Vimla's husband in Delhi died, they didn't even let her know of the tragedy. उसको ये भी regret होता है कि जब विमला के हस्बैंड जो हैं दिल्ली में, जब वो मर गए थे. अब वो जो मौसी है ना, वो बड़ी सिस्टर है, विमला छोटी सिस्टर है. और ये जो मनोहर है ये विमला का बेटा है. तो विमला के हस्बैंड जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की कि एटलीस्ट उसको बताएं मौसी को कि ऐसा हो चुका है. ऑब्वियसली दे डिड नॉट कंसीडर हर टू बी इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी इन्फॉर्म्ड. ऑब्वियसली उनको लगा होगा कि कोई फ़ायदा, कोई इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. मनोहर इज़ रिमाइंडेड ऑफ द सीरियस ओमिशन ऑन देयर पार्ट व्हेन मौसी इंक्वायर्स अबाउट विमलास डॉटर. जब मौसी जो है ना मनोहर को पूछती है ना विमला की डॉटर के बारे में, अपनी छोटी बहन की डॉटर के बारे में पूछती है, तो उसको बहुत, मतलब एक बहुत गिल्टी फीलिंग होती है कि ऐसा मैंने क्यों किया, हमने उनको क्यों नहीं बताया.
When the truth dawns on him, Manohar feels guilty. He doesn't have the courage to face her. अब जब उसको ये पता, थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग होती है और उसको फेस करने में मुश्किल हो जाती है मौसी को. बट दैट इज़ नॉट ऑल. दिस रेवलेशन लीड्स हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ. अब जब ये उसको पता चलता है ना कि मौसी को पता नहीं था डेथ के बारे में, उसको बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि वो लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है. ओके. दिस स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ ग्रोथ इन द अवेयरनेस ऑफ मनोहर एंड ऑफ द ह्यूमन नीड टू कीप इन टच विद वंस ओन पीपल. इसे ये पता चलता है कि किस तरह से मनोहर के ह्यूमन ये एक आदमी की ज़रूरत है कि वो दूसरे अपने जो लोगों के साथ है उनके साथ टच में रहे. आप सबने काबुलीवाला की स्टोरी तो बचपन में सुनी ही होगी या बड़े होकर भी सुनी होगी, है ना. तो वो सेम स्टोरी, थोड़ा मिलती जुलती ये स्टोरी है. इन काबुलीवाला एज इन वेरी लोनली शी द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय करेक्टर हुज कॉन्शियसनेस एक्सपेंड्स एट द एंड, है ना. अब उस काबुलीवाला में भी जो लड़की होती है ना, उसके फादर को ये रियलाइज़ होता है बाद में कि काबुलीवाला जो एक अच्छा आदमी है, है ना, उसको अपनी, फिर वो बाद में उसको अपनी बेटी से मिलने देता है काबुली वाले को. इफ़ इन अवर स्टोरी इट इज़ मनोहर हु रियलाइजेज द ट्रूथ अबाउट मौसी फीलिंग्स, इट इज़ मिनीज फादर इन द अदर स्टोरी हु कम्स टू अंडरस्टैंड वाई द काबुली वाला यूज टू कम एंड ब्रिंग ड्राई फ्रूट्स फॉर मिनी. बोथ मनोहर एंड मिनीज फादर बिगिन टू सी वट दे हैड नॉट सीन अर्लियर. इसमें मनोहर है और काबुली वाला स्टोरी में मिनी के फादर थे. मिनी के फादर और मदर को बहुत बुरा लगता था कि काबुली वाला उनकी बेटी से बहुत घुल मिल के बात करता है और मिलने आता है, लेकिन काबुली वाला को अपनी बेटी की याद आती थी जो कि काबुल में रहती थी, तो वो उसको मिनी उसको अपनी बेटी जैसी लगती थी, तो वो उससे मिलने आता था. तो ये एक रिलेशनशिप है जिन मतलब उन दोनों को रियलाइज़ हुआ, मनोहर को और मिनी के फादर को, कि ये वट दे हैव डन इज़ नॉट गुड.